नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय में फिट इंडिया फ्रीडम रन को कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में नेहरू युवा केंद्र उमरिया मध्य प्रदेश युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं NCC शहीद युवा मंडलों के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। वही इस अवसर पर कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां यह रन नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में प्रारंभ हुई एवं शहर के मुख्य मार्गों से होकर वापस नेहरू युवा केंद्र कार्यालय पहुंची एवं इस दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को कार्यालय परिसर पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वही अपने उद्बोधन के दौरान कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया है, जहां नागरिकों को प्रतिदिन आधे घंटे फिटनेस के लिए समय निकालना चाहिए। अमृत महोत्सव के उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए जन भागीदारी से जन आंदोलन के रूप में इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके द्वारा जनमानस में फिटनेस के लिए जागरूकता एवं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वही इस अवसर पर कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को फिट इंडिया रन 2.0 में हिस्सा लेने का संकल्प दिलाते हुए कहा है कि मैं स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के साथ ही अपने परिवार एवं मित्रों और समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूँगा। सबल एवं समर्थ राष्ट्र तथा सक्रिय एवं स्वावलंबी समाज के निर्माण हेतु मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेता हूं। वह इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव एवं जिला नेहरू युवा केंद्र विभाग अधिकारी आदित्य श्री, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग अधिकारी रविन्द्र हाटिया, देवेंद्र कुमार, हरीश बर्मन, नितिन दशानी, राहुल चंद्रवंशी, पारस सिंह, महेंद्र तिवारी, दीपू दुबे, पूनम प्रजापति सहित समस्त वॉलेंटियर गण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज फिटनेस के लिए सभी युवाओं को सभी को बुलाया गया, 2 किलोमीटर दौड़ा, आधे घंटा रोज फिटनेस। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 75वीं आज़ादी महोत्सव किया गया, जिसमें गांव चौक से लेकर स्टेडियम के होते हुए फिर नेहरू युवा केंद्र तक पहुँचे। इंडिया की द्वारा की आधा घंटा रोज किया जाए। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर अपना फिट इंडिया के तहत आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वां वर्षगांठ के अंतर्गत जो रनिंग निकाली जा रही है, मैराथन किया जा रहा है, उसके तहत आज जिला उमरिया के कई मार्गों पे मैराथन सभी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, जिसपे अपने उमरिया जिले के माननीय संजीव स्वास्थ्य कलेक्टर महोदय ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया और सभी को बधाई दी कि आप सभी लोगों को जागरूक करें, जिसमें से सभी लोग जागरूक होकर अपने आप को फिट रखें और आधा घंटा डेली का फिटनेस व्यायाम करें, जिसपे स्वस्थ रहें और स्वस्थ। नमस्कार, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 से हम लोग मैराथन का 24 घंटे में हमें आधे घंटे योग के लिए दिया गया, जिसमें हम फिट रह सकते हैं। हमें महिला एवं समस्त युवा मंडल के लिए हमें आधे घंटे जरूर दें। हमें युवा नेहरू केंद्र में बुलाया गया, जिसके तहत खेल मंत्रालय द्वारा यह 2.0 प्रस्तुत किया गया, जिसमें फिट इंडिया के उसमें उपलक्ष्य में हमें उमरिया के 2 किलोमीटर घुमाया गया, जिसमें मार्गदर्शन किए गए और हम अगर रोज का व्यायाम करते हैं डेली आधा घंटा, तो हम कई बीमारियों से सावधान रह सकते हैं। इस महोत्सव को कलेक्टर द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया। आज आज़ादी के 75 वर्ष में जैसे हम प्रवेश कर चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र उमरिया की तरफ से आज फिट इंडिया 2.0 का लॉन्चिंग हुई है, जिसमें हमने माननीय कलेक्टर महोदय से हरी झंडी दिखवाकर अपने जिले के करीब लगभग 100 युवाओं को मैराथन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और दौड़े हैं। इसमें हमारा मोटिव है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, कहते हैं एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने उम्र नागरिक वास्तव यही करूँगा कि वो इसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नेहरू युवा केंद्र उमरिया के द्वारा फिट इंडिया का कार्यक्रम उमरिया आयोजित किया गया है, जहाँ पे पूरे नगर में लगभग 100 युवा और जिसमें छात्र छात्राएं
फिट इंडिया की टी शर्ट पहनकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए मैराथन जैसा संदेश दिया है। और यहाँ पे युवाओं ने संदेश देते हुए कहा है कि फिट रहना चाहिए हमें, जिससे हम फिट रहेंगे तो देश भी फिट रहेगा। और इसी के तहत आज यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हमारे जिले के लोकप्रिय कलेक्टर श्री संजय श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर आए, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रेस को, इस मैराथन को प्रारंभ किया। इनके साथ ही साथ हमारे जिला युवा समन्वयक श्री आदित्य सिंह जी भी उपस्थित रहे, साथ में लेखापाल देवेंद्र द्विवेदी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा उमरिया में फिट इंडिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें रन फॉर उमरिया मैराथन का आयोजन किया गया और उमरिया जिले के सम्माननीय कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और 50 छात्र छात्राओं को दौड़ाया गया, जिसमें उमरिया जिले से नेहरू युवा केंद्र से स्टार्ट होकर अमर शहीद स्टेडियम होते हुए सीधे नेहरू युवा केंद्र लाया गया। आज का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हमें फिट इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें 30 मिनट प्रतिदिन हमें योगा के लिए उत्साहित किया गया। फिट इंडिया कैंपेनिंग चलाया जा रहा है जो कंटिन्यूस 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी के तारतम्य में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेन पर्पस ये है कि हम सामान्य जन नागरिक को एक मैसेज दे पाए कि वो किस तरह अपने आप को फिट रखें, क्योंकि कोरोना के इस काल में फिटनेस बहुत जरूरी है। और आप रनिंग और वॉकिंग या योगा के माध्यम से भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल फिट रहेगा तभी पूरा उमरिया फिट हो पाएगा, और उमरिया अगर फिट होगा तभी इंडिया फिट बन पाएगा। संदर्भ में एक और कोटेशन जारी किया गया है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर आप फिटनेस के लिए अपना आधा घंटा रोज अगर देते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह पाएंगे। मैसेज देना चाहूँगा कि उमरिया के सारे निवासी अपने आप को किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से फिट रहे, क्योंकि फिट रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिटनेस के कार्यक्रम में माननीय हमारे जिले के कलेक्टर शास्त्र जी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच दिया, जिससे कि वो मोटिवेट हो सके स्पोर्ट्स के लिए और फिटनेस के लिए। उन्हें अवेयरनेस के बारे में बताया कि सारे बच्चे अपने आप को कैसे फिट रह सकते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज उमरिया शहर में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को नियमित रूप से व्यायाम और शरीर की देख रेख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे सभी नागरिक